सब जागरूक है क्या? जिस दिन हमारे अंदर सब जागरूक होगा तो सबका एक ही धर्म है और वो धर्म है इस परम शक्ति को अपने अंदर प्राप्त कर लेना और उससे अपने को अलंकृत कर लेना, उस शक्ति को सजा लेना। और ये सजावट उसको बड़ा सुंदर बनाने की है, उसका चरित्र सुंदर हो जाता है। उसमें जो जिसे कहते हैं कि वो एक साक्षी स्वरूप बन जाता है, हमारे वो चेतना मान सकता है, वो किसी चीज की निगाह या किसी और धर्म की दृष्टि दे ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है कि ऐसी दृष्टि जिस मनुष्य पे भी पड़ जाए, जिस घर में पड़ जाए, जिस जगह वो पहुंच जाए, वो जगह ही पवित्र हो जाती है और वहाँ सब शुद्ध हो जाता है। बहुत से लोग मुझे परदेश ले जाते हैं कि वहाँ आपके देश में इतने लोग धार्मिकता दिखाते हैं, इतना धर्म वहाँ है, हर धर्म के लोग इतने वहाँ भंसारी अपने फैलाते हैं, कि वहाँ की गरीबी क्यों? गरीबी इसलिए है कि अभी उनका किसी का भी संबंध परमात्मा से हुआ नहीं। सब सोचते हैं कि हमारा संबंध है, लेकिन किसी का भी संबंध नहीं हुआ। जब परमात्मा का संबंध हो जाता है उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती है। सबसे पहले तो ये शक्ति आती है कि आप भी दूसरों को जागरण दे सकते, आप दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार करा सकते, एक से हजार बन सकते, दूसरा उसका विशेष परिवर्तन हो जाता है। बहुत कुत्ते आदमी और बहुत घबराया तो आदमी भी एक कम से शांत होता है। उसी प्रकार कोई आदमी बहुत विचलित है, बहुत दुखी है, तकलीफ में है, उसकी सारी व्यथा ये मानो नष्ट हो जाती है और वो एक आनंद के सागर में डूब जाता है। ऐसा आदमी किसी न किसी पर कभी आदताई होता है, नहीं किसी पर अग्रेशन करता है और नहीं किसी का अग्रेशन देता, खड़े खड़े वो सबको ठीक करता है। इस तरह का व्यक्ति को आज अपने सारे संसार में तैयार हो सकता है, क्योंकि कल जो वक्त खत्म हो गए, त्रुटि युग शुरू हो गया। इस त्रुटि युग में ये जो परम चैतन्य है ये कार्यान्वित है और ये अपने कार्य को कर रहा है और उसी कार्य के कारण हजारों लोग का पार हो जाए, हजार जितने भी लोग आएंगे सब पार हो जाए, जो आएंगे और चाहेंगे उनकी जागृति हो जाए सब पार हो जाए। ऐसे आपके हर देश के भाई बहन बन गए, हर देश के संसाधु हो गए। नहीं तो पहले इस वक्त में एक हाथ दूरी से सबको सताया गया, किसको नहीं सताया? कृष्ण को सताया, राम को सताया, मोहम्मद साहब को सताया और आप इधर देखिए उनका अंग्रेजी को सताया, इधर लाल से को सताया, किसी को छोड़ा नहीं। उसके बाद सारे संतों को संसर के और सताया, क्योंकि अकेले अकेले खड़े अब सामूहिकता में आ गए हैं और अब कोई संतों को सता नहीं, क्योंकि अब उसकी ही जागरूक हो गया है और उसी में सारे संतों का रक्षण होगा और उनको कोई सता नहीं। और जो सताने की कोशिश करेगा उससे किसी उसका जरूर बन जाएगा, कोई कुछ करे या न करे आप समान ही करते जाए, किंतु आप कोई किसी संतों को और धर्मान की जैसे रहने वाले आदमी को सता नहीं सकता, क्योंकि अब स्थिति जागरूक हो गया। ये मैं आपसे बताने आई हूँ आज विषय में और आशा है आप इस बात को समझेंगे। आपके सामने सुगंधी का पूरा विषय हो चुका है, सर आपको अपना भीतर चाहिए, आप अपना भला चाहते हैं, वास्तविक में आप अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं, अपनी सारी हालात ठीक करना चाहते हैं और अपनी हैसियत को ठीक करना चाहते हैं, तो क्यों ना अपने को पा लीजिए जो आप है, क्यों ही अंधेरे में आप बेकार की तरह खड़े हुए, इस चीज को अपने अंदर ही पा लीजिए। आपके हरेक के अंदर ये शक्ति है, ये आपकी हरेक की मां जो आपको पुनर्जन्म देने के लिए बाराई और जो चाहती है कि आप उसे प्राप्त हो, सारे धर्मों का यही एक सार है कि तुम इस परम को पाओ और उसका कोई भी मतलब नहीं लगता अगर आपने परम नहीं पाया तो सब जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे जीवन को व्यर्थ कर छोड़ने से, उसकी सारा नष्ट करने से अच्छा है इसका पूरा पूरा फायदा उठा लिया जाए और हम लोग उस चीज को प्राप्त करें जिसकी आसारे संसार को
और इतिहास में आप ही लोगों का नाम जाएगा जिन्होंने एक बड़ा कार्य किया। बाकी कार्य जो भी होते हैं तो व्यर्थ है और क्षण बांसी लगी है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कार्य हमेशा के लिए रहेगा। और जिससे आप ऐसे आपके बाल बच्चे भी और आपका समाज आपका शहर और इसके अलावा ये सारा योगदान इतना ही नहीं सारा विश्व आपके चरणों में लौटेगा और आपको धन्यवाद देगा कि आपको कितना बड़ा कार्य हमारे लिए करें। इसलिए सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इसको समझदारी से सूझबूझ के साथ है, ये आपके हित के लिए है। फिर आप इसके लिए पैसा ऐसा नहीं ले सकते। पहली बात यह है कि ये जीवन से किया है पर आपको कोई बीज बोना है जमीन के अंदर, तो आप क्या जमीन को इस माता को कुछ पैसा देते हैं? वो तो अपनी शक्ति से ही उसको उगा देती है। इसी प्रकार ये कार्य होता है। एक पैसा भी अगर कोई आपके परमात्मा के नाम से लेता है तो समझ लीजिए कि वो आपके गुरु नहीं है, वो आपके नौकर है जो आपसे रुपया पैसा करते आपके सहारे करते। इसके आप जान लीजिए कि धर्म के नाम पर पैसा कमाना महापाप है और उनको पैसा देना भी एक दुष्टता करते। इसलिए किसी भी मनुष्य को एक बात का पूरा ज्ञान हो जाए कि वो क्या है तो वो ये सब समझेगा कि मनुष्य में दुष्ट भी है और अच्छे भी है और झूठे भी है और सच्चे भी है। सिर्फ झूठ की पहचान जब तक आप सच्चे दरबार में नहीं आएंगे तब तक आपको हो नहीं सकते। तो मेरा अनंत आशीर्वाद है आप लोगों को कि आज आप सब लोग इसे प्राप्त करें। आशा है आज ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। मेरा अनंत आशीर्वाद है और भी जो कल फिर आपको और बातें मैं बताऊंगी और आपको कोई प्रश्न हो आज उसे नीचे लाइएगा और वो यहाँ व्यवस्थापकों को दे दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको सब दे दूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजली के निकट आपके तर्क निकट से नहीं होना है, प्रश्न करने से उत्तर से नहीं होना रहा, क्योंकि उत्तर मैं सबका दे सकती हूँ लेकिन उससे नहीं होने वाला। ये होने की बात है जो होना चाहिए, जब तक ये होता नहीं तब तक आपका कहना या मेरा कहना सब कुछ व्यर्थ है, ये घटित होना चाहिए। इसलिए आप लोग अब मन में यही इच्छा करें कि किसी तरह से आपकी पुनर्मी जागरूक हो जाए। हाँ, हमारी एक ही शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग और योग का मतलब है कि परमात्मा से एकाकारिता होना, इस शक्ति से एकाकारिता। इसके आप एक शुद्ध इच्छा करके तो उधर ही यही शुद्ध इच्छा की शक्ति। और इसे आप जान लें कि आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में हो, किसी भी देश में हो, आप सबके अंदर एक गुणाकार अस्थि में रहती है और इसकी हमने पूरी तरह से मेरी कल में भी इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है और ये सिद्धता आ गई है और वो डॉक्टरों के यहाँ से रोक कर भी हो चुका है। तो आपके समझ में ये बात नहीं आएगी कि मां साइंस ऐसे क्या समझ रहा है। आपके साइंस भी दो चीजों से निकली है जो सामने है, जब ये चीज सामने हो जाएगा तो परमात्मा को भी आप जान सकेंगे और उसका भी साइंस समझ सकेंगे और आप यही समय आ गया है कि आप उसका साइंस समझ। आप सबको अनंत आशीर्वाद है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, एक 10 मिनट और लगेंगे लेकिन इसमें दो चर्चे हैं। पहले तो बात आपको सुनना चाहिए कि दिमाग से बात निकाल दें कि आपने क्या गलतियां की, आपका क्या पिछला जीवन में कोई सा प्रश्न रहा हो, क्या कोई आपने जिसको कहते पाप किया हो, या आप सोचते हैं कि आपने कोई दुष्टता करी हो, तो उसका कोई भी आज आप छूट जाए। इस वक्त आप वर्तमान में इस वक्त आप बैठे जैसे इसको बैठे इसको आप प्राप्त सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।